गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो यार एक चीज जो बड़ी कॉमन है हम लड़कों में, शायद लड़कियों में भी होगी यार, हम फिट होना चाहते हैं पर फिट होने के लिए यार हम कई सारे एक्सक्यूज देते हैं कि भाई साहब डेली रूटीन ऐसी है कि फिट हो नहीं पाते, पर यार चाहते सारे हैं। तो यार मैंने बहुत से वीडियो देखे, सभी में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि पहले दिखाते हैं बिफोर ऐसे थे और फटाफट से कुछ मिनटों में ही ना हम हो गए ऐसे सिक्स पैक ऐप के साथ। तो यार क्या एक कॉमन पर्सन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? तो यार आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँ अपनी बॉडी का पूरी तरह से, सिक्स पैक ऐप के थोड़ा आसपास भी पहुँच सकूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अचानक ही आपको दिखाऊंगा, तो डेली रूटीन में दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, अपना क्या खाना खा रहा हूँ, किस तरह के सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ और कैसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो यार मैं चाहूँगा आप हर दिन मेरे साथ बने रहो, मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें एक ही मैं सब कुछ बता दूँ। तो यार ये होल जर्नी है यार 90 दिनों की, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, क्योंकि रोज़ अब एक वीडियो आने वाला है सुबह 8:30 बजे। तो यार आज अगर मैं बात करूं मेरे वेट के बारे में तो यार वेट नियर अबाउट 82 kg है। बाकी जिम जाके आज वेट करेंगे और जिम में ट्रेनर से पूछेंगे भी कि भाई आज क्या एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि तो यार बिल्कुल रॉ शुरू कर रहा हूं और सप्लीमेंट्स भी आज लेके आऊँगा। तो अभी अपना हाल देख लेते हैं। तो यार अभी का जो हाल है यार काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैट है और वेट भी मेरा 82 के करीब है। आप अगर देख रहे हो यार टी शर्ट में भी कितना ज़्यादा पेट दिख रहा है, और मसल्स तो थोड़े बहुत हैं बट फैट पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो यार दिन की शुरुआत करिए ब्लैक कॉफ़ी से। तो ब्लैक कॉफ़ी से होगा क्या यार कि जिम में थोड़ी सी एनर्जी बनी रहेगी और अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकूँगा। चलो अब जिम बैग को पैक कर लेते हैं और चलते हैं जिम। तो फाइनली यार जिम पहुंच चुका हूँ और हालांकि कुछ मिनट लेट ही था, और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ यार अपना ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें मेरी हेल्प करने वाले भाई साहब हमारे कीरत जी, और ये ओयो जिम में है, काफ़ी टाइम से मैंने जानता भी, तो किस तरह से मेरी हेल्प करेंगे यार आइए उससे एक बार पूछ लेते हैं। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। आज हम आपके लिए करेंगे 3 बॉडी पार्ट्स जो ट्रेन करेंगे हम, क्योंकि आपका देखा जाए तो स्टैमिना बहुत कम है। पहले पहले आपने कभी इतना हाइपरट्रॉफी वर्कआउट किया नहीं, तो पहले हम 3 बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे आपके साथ में उसके कार्डियो, एक वीक हम ये वर्कआउट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपका जब स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा तो आपका हम हाइपरट्रॉफी के साथ कार्डियो स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके मसल मास गेन होने के साथ साथ फैट लॉस होती रहेगी। तो यार अब मैं कितना कर पाता हूँ कितना नहीं कर पाता हूँ ये तो आप वीडियो में आज देख ही लोगे, पर डेली एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं काम कैसे कर रहा हूँ और मैं क्या खा पी रहा हूँ, और सप्लीमेंट मैं वही लेने वाला हूँ जो मुझे कीरत बताने वाला है कि क्या कोई हार्श सप्लीमेंट्स में नहीं जाने वाले, कोई स्टीरॉइड्स में जाने वाले, बिल्कुल नेचुरल करने वाले। रिजल्ट आएगा तब भी आपके सामने, नहीं आएगा तब भी आपके सामने। चलो यार अब हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो यार आज जिम में जो मेरी हालत हुई है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। हालांकि मैं एक्सरसाइज लगाता था पर इतनी ज़्यादा यार शिद्दत से जो एक्सरसाइज होती है ना, वो आज पहली बार लगी। और सच बताऊँ तो आज पूरी तरह से जिम फेल था,
यानी कि मैं उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाया जैसा मुझे ट्रेनर करा रहा था। और आज समझ आया कि यार अगर इतना एफर्ट डालूंगा तभी रिजल्ट आएंगे, पर उस एफर्ट के साथ यार मुझे अपने इंटरनल भी कुछ चीज़ें सही करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने शॉपिंग करी है और मैंने लिया है भाई साहब सप्लीमेंट में एल ग्लूटामाइन, और इसके साथ मैंने लिया है भाई मल्टीविटामिन जो रोज सुबह एक गोली लूंगा, और इसके अलावा भाई साहब फिश ऑयल जो कि 1 ग्राम का है और रोज रात सोने से पहले एक कैप्सूल जरूर लूंगा। ओमेगा 3 की जो जरूरत है बॉडी को वो बहुत ज्यादा है, उसको पूरा करेंगे। और एक जो चीज है यार ये है विटामिन डी भाई साहब 2000 IU है, इसका एक टेबलेट हर दोपहर को ये मुझे लेना ही लेना है सो डैट अच्छे रिजल्ट आए। और सबसे जरूरी चीज भाई साहब ये आइसोलेट वे प्रोटीन, मैं मसल ब्लेज का यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मसल ब्लेज ये भेजने के लिए। तो इस प्रोटीन को हम कंज्यूम करेंगे 3 टाइम अ डे। ओके तो मुझे जो यार प्रोटीन लेना है 120 से 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, और उसके साथ ग्लूटामाइन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को, ये मैं लेने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं जो खाना खाऊंगा, एक्चुअली अभी खाना मैंने बनाया नहीं है, मैंने क्या बनाना है यार मेरे ट्रेनर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया है, तो जब मुझे वो खाना सजेस्ट करेगा तो मैं आपको इससे आज शेयर करूंगा किस तरह की डाइट लेने वाला हूँ, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो यार आज के दिन को यार एक तरह का मैं लेकर चलता हूँ कि भाई साहब आप कह सकते हो कि एक वार्म अप था, कुछ एक्सरसाइजेस करके देखिए अपना स्टेमिना टेस्ट किया कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, उसको पहले बिल्डअप करेंगे। मेन एक्सरसाइज में जाने से पहले जो सप्लीमेंट्स की बॉडी में कमी है उसको पूरा करेंगे, प्रोटीन को ट्राई करेंगे कि भाई साहब जितनी ज़रूरत है उतना लेना शुरू करें, और हो सके यार जो बाहर का खाना है उसको कट ऑफ करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो यार आज पहला दिन इस तरह का गया जैसा आपने देखा, और इसके अलावा मैं काम पे भी गया था। मुझे पता है यार कि मैंने कहा था मैं हर चीज़ बताऊंगा, पर यार आज पहला दिन है ना इस तरह का व्लॉग मैंने कभी नहीं किया, तो हो सकता है यार कुछ चीज़ें रह गई हूँ, पर डे बाय डे मैं ट्राई करूंगा कि इम्प्रूव करूँ व्लॉग में अपने। और अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो भाई सब लाइक करो, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो जो कि मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे तो प्लीज़ कमेंट करो, आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा, और जो सजेशन अच्छा लगेगा भाई उस बंदे का नाम भी लूंगा अपने वीडियो में। और देखते हैं डे बाय डे और कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अब क्या करने वाला हूँ, अब भाई साहब मैं प्रोटीन का एक स्कूप लेने वाला हूँ विद ग्लूटामाइन। हालांकि डाइट शुरू नहीं करी है, प्रोटीन शुरू कर रहा हूँ ताकि बॉडी को थोड़ी हैबिट हो जाए, और उसके बाद सो जाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात हो चुकी है भाई साहब, तो पूरा दिन वर्किंग पे था, अपना काम कर रहा था, काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो कैमरे पे भी नहीं आ पाया क्योंकि जिम के बाद यार मेरी हालत बिल्कुल नहीं बची थी। उसके बाद जब मैं घर आया कैमरे को रखा, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर जल्दी जल्दी मैंने तैयार हुआ काम पे गया, और काम पे जाने के बाद तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है। उसके बाद शॉपिंग करी, ये सारे सप्लीमेंट लिए, और अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो यार ठीक है यार, अब मिलेंगे कल सुबह, और ट्राई करूंगा कि आज जो चीज़ें छूट गई हैं कल ढंग से कर सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।